Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to be bringing you guys something really interesting which I haven't done before, which is a recipe. It's a healthy dessert. मैं अपने इंस्टा स्टोरीज पे बहुत सारी अपनी तारी और सैरी की यू नो खाने शेयर करी थी और बहुत लोगों ने कहा कि आप रेसिपी बताएं. तो मैंने कहा कि एक और तरीके की वीडियो है जो मैं अपने YouTube चैनल पे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ. मैं शेफ नहीं हूँ मगर मुझे खाना बनाने का शौक़ है, खिलाने का भी बहुत शौक़ है अपने लव वंस के लिए. शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा शौक था, बच्चे के बाद ज़रा कम नहीं हो गया, टाइम कम मिलता है. पर मेरे हस्बैंड को अभी भी मेरे ही हाथ का खाना बना हुआ पसंद है. अमूमन जब आप घर का कुक बनाते हैं या जो हेल्प है वो बनाती हैं तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता. तो आई ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर हिम व्हेनेवर आई गेट द टाइम. और इस रमज़ान में तो मैंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए बनाऊँगी चीज़ें. तो आई थॉट अलॉन्ग साइड वाई नॉट ऑल्सो टेक यू गाइज यू नो अलॉन्ग द राइड, एंड इफ यू गाइज लाइक समथिंग यू कैन मेक इट एंड शेयर विद मी. मेरे पास टाइम लाइक आई सेड बहुत कम होता है. मैं वर्किंग वूमन हूँ, माँ भी हूँ, वाइफ, घर चलाना एज वी ऑल आर. So it's a very, I think you have to juggle a lot of things. I don't have a lot of time. So I like recipes जो yummy हों, जल्दी बन जाएँ, आसानी से बन जाएँ, कि you know सारी family खुश भी रहे, आप healthy खाना share कर सकें. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ingredients में fruits, vegetables use कर सकूँ, जितना कम packaged food है हम खा सकें. So I like doing that for my family. So I'm gonna show you guys today chia pudding that I made. चिया के बहुत बेनिफिट्स हैं. इट्स एन अमेजिंग, इट हैज़ सो मेनी अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स. और मैं वो चिया पुडिंग बनाती हूँ, एप्पल पाई सिनेमन चिया पुडिंग, जो एक हेल्दी तरीके से भी मैं आपको बताऊँगी. और थोड़ा सा अगर आप उसको और भी जो कैलोरी इनटेक के बारे में इतने कॉन्शियस ना हो उनके लिए और भी यमी करना चाहें, जब गेस्ट आए हों बच्चों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ. ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स. तो मैंने ये 6 लिए हैं सेब. यहाँ मैंने 2 मग्गे चिया सीड के लिए हैं, ठीक है. ये मेपल सिरप है, दूध जाएगा इसके अंदर. मैं साथ साथ आपको क्वांटिटी बताऊँगी. ये मैंने सॉल्टेड बटर लिया है क्योंकि मुझे ये वो स्वीट और सॉल्टी अच्छा लगता है डिज़र्ट के अंदर. ये कुछ दालचीनी की स्टिक्स हैं, पर ये मैंने होल ऐसे लिए हैं क्योंकि इसको हम डेकोरेशन में भी लेटर यूज़ करेंगे, ठीक है. ये कुछ गार्निशिंग के लिए सामान है. ये बेकरी के बिस्किट्स हैं, ये जैम वाले सेंटर के बिस्किट्स, इसको मैं क्रम्बल करूँगी. ये कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, उनको भी हम क्रम्बल करेंगे. और ये कुछ बेल्जियन कर्ल्स हैं जिनको भी हम गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं. बट मैं आपको ऐसे ऐसे बताऊँगी कि हम ये कैसे करेंगे, बिकॉज आई हैवन मेड कुकिंग एपिसोड बिफोर. सो बेयर विद मी, आई विल शो यू गाइस हाउ वी गोना गो अबाउट दिस. अच्छा, तो मैं एक अब मग इसके अंदर फुल फैट ये मिल्क का डाल दें. एक और डालेंगे चिया सीड्स. एक्चुअली लिक्विड में जाके थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट एक पुडिंग की तरह बन जाती है, इसके साथ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता. ये 3 मग्स मैंने फुल फैट मिल्क के ले लिए. अब इसको हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे. ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऑलमोस्ट दूध के अंदर फूलना शुरू कर देती है. तो दे टेक इन वट एवर लिक्विड इज अराउंड दम. मैं डिफरेंट मिल्क के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ बनाती हूँ चिया पुडिंग की, क्योंकि हम ये एप्पल करें इसमें मैं कोकोनट यूज़ नहीं करी. दैट्स अनदर कोकोनट मिल्क इज अनदर वन दैट आई लव मेकिंग चिया पुडिंग विद. पर इस रेसिपी के अंदर वो ज़रा फिट नहीं होता क्योंकि हम एप्पल पाई की चाह रहे हैं फीलिंग आए. जो वीगन्स हैं या वेजिटेरियन हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो वो इसके अंदर आमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम जस्ट स्वर्लिंग इट. इसको जस्ट आप इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता फील करेंगे कि ये ज़रा हैवी हो रहा है. और फिर जब ये थोड़ा आधा थिक होना शुरू होगा इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कि ये ज़रा ठंडा और सेट होना शुरू हो, ठीक है. अब देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये कर्डल सा हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट थिक. इसके अंदर अब इस मिठास के लिए मैं अपना मेपल सिरप यूज़ करूँगी. मुझे ऑर्गेनिक मेपल सिरप बहुत पसंद है, चीनी से बहुत ज़्यादा बेहतर और हेल्दी होता है. ये मेरा ऑर्गेनिक मेपल सिरप मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, और उसको मैं इसके अंदर मिला दूंगी. मुझे ये पसंद है, इतना मीठा नहीं पसंद. जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं. जिनको मेपल सिरप नहीं यूज़ करना, चीनी यूज़ करनी है, वो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं. जो लोग स्टीविया ज़्यादा शौक से खाते हैं वो लेते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो वो आप पे, कुछ लोग कोकोनट शुगर लेते हैं, कुछ ब्राउन शुगर लेते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना कौन सा स्वीट यूज़ करते हैं. पर मुझे मेपल सिरप पसंद है.
ये मैं अपनी बेबी को भी मेपल सिरप से ही डिज़र्ट्स बना के देती हूँ और मुझे हमारे यूज डिज़र्ट के यूज़ के अंदर भी मेपल सिरप यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह ऑलमोस्ट थिक सा हो गया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो अब मैं अपने पैन को, या आप आग देख रहे हो, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे, ठीक है, मैं पैन को रखूँगी। और अब मैं ऑलमोस्ट एक टेबलस्पून ये और थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, सॉल्टेड बटर जैसे मैंने कहा था, क्योंकि मुझे वो स्वीट एंड सॉल्टी जो एक इफ़ेक्ट आता है पसंद है। तो पहले हम बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अगेन कुछ लोग कोकोनट ऑयल भी शौक से यूज़ करते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं बटर यूज़ करूँ, क्योंकि कोकोनट का स्मेल और जो टेस्ट है वो आ जाता है डिश के अंदर। तो जिस डिशेस में वो कॉम्प्लीमेंट करता है उस डिशेस में मैं यूज़ करती हूँ, वरना नहीं यूज़ करते। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, पर ऑलिव ऑयल रिमेंबर आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड यूज़ कर सकते हैं डिशेस में, पर जब आप उसको हीट करते हैं तो वो एक्चुअली आपके लिए बुरा हो जाता है। तो आप ऑलिव ऑयल में ये नहीं बनाएंगे। बटर को आप ऐसे स्वर्ल करेंगे, ये बटर मेल्ट हो रहा है। जैसे ही बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हम अपने एप्पल्स डाल देंगे। इसके अंदर मैं अपने एप्पल्स डालूंगी, ठीक है, और एप्पल्स के साथ साथ अपनी सिनेमन स्टिक्स भी डाल दूंगी। तो ये मैं सिनेमन स्टिक्स एक्चुअली एक तरीके से गार्निशिंग के तौर पे ही यूज करती हूँ, बट दे ऑल्सो इन्फ्यूज द एंटायर डिश, एक सिनेमन की स्मेल आती है। आई लव सिनेमन, एक्चुअली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फ्लेवर्स। तो मैं बहुत शौक से सिनेमन बहुत पसंद है। आई थिंक पाउडर से ज़्यादा जब आप ये एक्चुअल स्टिक्स डालते हैं तो बहुत ही अच्छी एक स्मेल आती है। अब इसके अंदर भी हम मेपल सिरप ऐड करेंगे, और मेपल सिरप को हम, मैं लूँगी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 1-2, क्योंकि हम काफ़ी अबाउट 4-5 कप्स बनाएंगे इससे, 3-4-5-6, ठीक है, ये आपने ले ली। अब इसको हम कुक होने देंगे, मिक्स करेंगे, और आपने इनको ऑलमोस्ट स्ट्यू करना है, ठीक है। तो इसको अबाउट 10-15 मिनट्स भी लग सकते हैं, धीमी आंच पे आपने रखना है। आई लाइक टू रियली कुक इट टिल इट बिकम्स नाइस एंड स्टिकी एंड लाइक कैरमलाइज्ड। उसको हम बस ये कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए अब इस पर ढक्कन डाल दूँगी। अब मैं ये बेल्जियन कर्ल ले के हाथ से तोड़ें, जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। आई लाइक थिंग्स टू बी क्विक एंड फास्ट। अगर बेल्जियन कर्ल नहीं मिल रहा, कोई और वनीला यू नो बिस्किट जो इस रेसिपी के साथ अच्छा लगेगा, चॉकलेट या कॉफ़ी या दूसरे फ्लेवर्स नहीं यूज़ कीजिएगा, वो नहीं मैश होगा ऐसा। तो ये मैं ऐसे तोड़ रही हूँ हाथ से, और इनके अंदर मैं जो मेरे ये जैम फिल्ड वाले बेकरी से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर जैम नहीं तोड़ेंगे हम इसके अंदर। ज़ायका सेट में फ्लेवर इंटरफेयर कोई और नहीं होना चाहिए, इट शुड रिमेन यही जो हम एप्पल का दे रहे हैं। तो इसकी साइड्स को लेके मैं, एवरीबडी कीप्स आस्किंग कि मेरे हाथ पे क्या हुआ है, ये भी मैं अपने हस्बैंड के लिए एक्चुअली बर्गर बना रही थी और ये जल गया। The sacrifices we make in our kitchen. तो ये मैं इस तरह क्रम कर रही हूँ, देखते हैं, हाथ से ही कर रही हूँ। इसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। जब हम, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं एक हेल्दी तरीके से दिखाऊँगी और थोड़ा सा अनहेल्दी तरीके से भी दिखाऊँगी, या अनहेल्दी नहीं, ये भी आई फील कि अगर आप कुछ यमी खाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी बेस फिर भी हेल्दी है, तो इट वॉन्ट बी एज बैड एज हैविंग यू नो Everything being bad. The good thing about making things at home is के आपको पता होता है कि आप क्या चीज़ें डाल रहे हैं उसके अंदर। अब ये आप देख रहे हैं 10 minutes हो गए और कितनी beautifully ये स्टू से हो गए, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा और पकाएंगे, तो मैं चाहती हूँ ये कैरमलाइज हो। तो इसको हम 5 minutes के लिए और ढक्कन डाल के छोड़ेंगे। अब इसको आप देख लो, ये ब्राउन होना शुरू हो गए, तो मैं थोड़ा सा और, तो हम थोड़ा सा और अभी पकाएंगे।
पर ढक्कन अब हम उतार देंगे. इट्स बीन अबाउट ऑलमोस्ट आई वुड से 13 मिनट्स और उसके बाद हम अब थोड़ी देर के लिए ढक्कन उतार के पकाएंगे. अब आपने कोशिश करना है कि हल्की हल्की, अब यहाँ आपने ज़रा खड़े होकर देखना है कि देखो अब ब्राउन हो रहे हैं ये. यू हैव टू मेक श्योर कि ब्राउन हो और जले ना. आँच मैंने उतनी ही रखी हुई है. थोड़ा सा हम हिलाते रहेंगे कि ये जले ना. मज़ीद 5 मिनट पक रहा था. अब इसके अंदर मैं हल्का सा थोड़ा सा और मेपल सिर्फ ड्रिजल कर रही हूँ, 2 टीस्पून इस पॉइंट पे. वो कैरमलाइजिंग में हेल्प करेंगे. उनको डाल के अब मैं स्टर कर लूँ. यू कैन नोटिस, अगर आप देखेंगे कि अब इसमें कैरमलाइजिंग शुरू हो गई है और मस्त स्टिकी स्टिकी सा लग रहा है. Try to caramelize. इसको हम additional अब 3 मिनट्स तक पकने देंगे. अब हम इसमें 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे. बस 2 मिनट तक आपने इसको पकाना है, जब तक ये वाटर ऑलमोस्ट थिक सा हो जाए, 2 to 3 minutes, एंड देन स्विच इट ऑफ, मेक श्योर यू कूल इट डाउन एंड देन फॉर सर्विंग. अब ये शक्ल हो गई है इसकी. पानी डाल के जो हमने कुक किया, देख रही कितना अच्छा ये कैरमलाइज और स्टूड एप्पल्स हो गए. सिनेमन लुक्स लवली. अब मैं दालचीनी को अलहदा कर दूंगी डेकोरेशन के लिए और इसको कूल करने के लिए रख दूंगी. अब हम इसको डेकोरेट कैसे करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे, प्लेट करेंगे, मैं आपको इसे दिखाऊंगी. लाइक आई सेड, मुझे खाने से ज़्यादा आई फील कि खाना भी यमी भी होना चाहिए पर दिखना भी बहुत खूबसूरत चाहिए. तो जिस तरह मैंने ये क्रम्बल किया है, मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी आपको दिखाए थे. जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव चाहते हैं उनके लिए मैंने ये दिखाए थे. आप ये यूज़ नहीं करेंगे फिर आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स का भी इस तरह क्रम बना के इसकी जगह यूज़ कर सकते हो अगर आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव करना चाहते हो. तो मैं आपको 2 तरीके दिखाऊंगी जिस तरह मैं खाती हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, आई एम ट्राइंग टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग. तो उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे. पहले हम चिया पुडिंग में अपनी, सो आई एम पुटिंग सम हियर. मैं 1/2 इस तरह डालूंगी इसमें कप में, और फिर जो अपने स्ट्यूड एप्पल्स हैं उनको लूंगी और उसका एक लेयर डालूंगी इसके ऊपर. और फिर इसको फिर से कवर करूंगी एक थोड़ा थिन लेयर के साथ. और फिर थोड़ा सा और मैं स्ट्यूड एप्पल इस पे डालूंगी. ठीक है, ये आपका हेल्दी लाइक आई सेड ऑल्टरनेटिव हो गया. ये मैंने जो सिनेमन स्टिक जिनमें कुक किया था ये हम इसमें सजाएंगे, तो ये सज गया. नाउ फॉर द मोर यमियर स्लाइटली इफ यू वांट टू डू इट फॉर योर फैमिली एक्सेट्रा, उनके लिए हम ये करेंगे कि हम पहले क्रम के पीसेस से शुरू करेंगे. लेयर रखेंगे इस तरह क्रम का. फिर हम अपनी चिया सीड को लेयर करेंगे. फिर मैं एक और क्रम का लेयर ऐड करूंगी. उसके ऊपर हम अपने स्ट्यूड एप्पल का एक लेयर डालेंगे. एक और चिया की लेयर, बट दिस टाइम जस्ट अ लिटिल स्मॉल अमाउंट, क्योंकि अभी इस पे एक और लेयर आनी क्रम की. और एप्पल्स की इस पे एक और इस तरह डालेंगे. फिर एक और क्रम का लेयर. सो दिस इज लाइक अ slightly healthier way of making a yummy like a sundae, I feel. इसके ऊपर हम थोड़े से और स्ट्यूड एप्पल डालेंगे.
So here we have it, our healthy dessert here on the left, and on the right a slightly more fun version with our crumble, and I've also topped it with some homemade vanilla ice cream. I hope you guys enjoyed this recipe. Please make sure to make it. Let me know what you guys thought. If you want to see more recipes, let us know your suggestions, and inshallah we shall be back soon. Please like, share and subscribe. Can't wait to bring you guys more.